करवाए थे, वो श्री लक्ष्मण जी ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि आप देख सकते हैं। तो उन पत्थरों को सजा कर रखा गया है, संजो कर रखा गया है, जो कि पानी के ऊपर तैरते। ये जो जगह है, लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से यहाँ पे जो है मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बारे में मान्यता है कि धार्मिक मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो खुद के हाथों से, अपने हाथों से किया था, ठीक है। तो लक्ष्मण तीर्थम है यहाँ पे, और पास में जो है लक्ष्मण कुंड है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है लक्ष्मण कुंड। कुंड को थोड़ा सा पास में आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा नज़दीक में जाकर। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे जो है कुंड है, ठीक है। कहा जाता है कि इसका जो निर्माण करवाया गया था, करवाए थे वो श्री लक्ष्मण जी ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, जो एक मंदिर है, मंदिर के अंदर जो है उन पत्थरों को संजो कर रखा गया है, जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। तो मंदिर जो है यही सामने मंदिर है, और इसके अंदर जो है पत्थरों को रखा गया है। आप जस्ट इन करते हैं, तो इन करते ही आपको जो है ना हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा आपको दिखती है। और बाकी आप फिर इसके बाद अंदर जब जाते हैं इस मंदिर के अंदर, तो उन पत्थरों को सजा कर रखा गया है, संजो कर रखा गया है, जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर आइए, यहाँ भी आप इसका आनंद ले सकते हैं, घूम सकते हैं यहाँ पर। दरअसल ये जो मंदिर है हनुमान जी की मंदिर है, हनुमान जी का टेम्पल है, ठीक है, जहाँ पे पत्थरों को रखा गया है।